हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हमारे पास अगर बात करें तो ये तीन स्लाइड्स हैं और दो जो हैं वो पहली वो कहाँ से, लद्दाख से, ठीक है ना। जहाँ पर अभी आपको ये दिख रहा है ये पब्लिक जो है यहाँ पर जमा हुई है, इकट्ठी हुई है, तो ये हुई है एक्चुअली अगर इस पब्लिक की बात करें तो ये हुई है किस चीज़ को लेकर कि हमारी जो स्टेटहुड है उसको मतलब स्टेटहुड दिया जाए, स्टेटहुड का दर्जा इसको दिया जाए और जल्द से जल्द जो हमारे जो मांगे हैं वो क्या की जाए, पूरी की जाए। और अगर इस पर बात करें तो टेम्परेचर की तो मतलब बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर क्या हुआ इस प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट शटडाउन रहा है ओवर द वीकेंड, जैसे कि हज़ारों की तादाद में प्रोटेस्टेड मतलब प्रोटेस्टर जो हैं वो जमा हुए हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोटेस्ट किया है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया इस टेम्परेचर के बीच में, और उन्होंने स्टेटहुड की डिमांड की है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन की, ठीक है ना, अपनी यूटी के लिए, ठीक है ना। प्रोटेस्टर्स ने आज किया लद्दाख को इंक्लूड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में, ठीक है ना, जो कि स्पेशल प्रोविजन बनाएगी फिर ट्राइबल एरियाज़ के लिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी को लेकर, खासकर जॉब सिक्योरिटी को लेकर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, दो पार्लियामेंट्री सीट की लद्दाख के, ठीक है ना, ये सारी इनकी डिमांड थी, ठीक है। तो इस चीज़ के लेकर ये अभी क्या कर रहे हैं, पूरा तरह से क्या करें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रोटेस्ट जो है वो अब इतना आगे हो रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है, इतनी उसका लेवल बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर इस इन शख्स को अगर आप देखेंगे तो इनका नाम है सोनम वांगचुक। इनका कहना है कि मैं फास्ट रखूँगा, ठीक है ना, अपनी डेथ तक फ्राम उन्नीस फरवरी से क्या करेंगे, ये फास्ट रखेंगे जब तक उनको मतलब लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा ना मिल जाए, तब तक ये क्या करेंगे, फास्ट रखेंगे, इनका कहना है, ठीक है ना। चलिए इनकी अगर बात करें तो ये एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट सोनम वांग चुके एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है, ठीक है ना। इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है ना, डिमांड की है इन्होंने कि हमारा स्टेटहुड का दर्जा जो है वो दिया जाए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो जो कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल है उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें हमारी जो मतलब इसमें सिक्योरिटी दी जाए जॉब को, ठीक है ना, उसके बाद कास्टिस को, ठीक है, और उसके साथ पार्लियामेंट्री सीट्स हमारी दूर की जाए, तो ये सब उनकी डिमांड रही है, ठीक है ना। चलिए अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हम हिमालयस की तरफ आप मतलब जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम समझिए हमारी लास्ट स्लाइड, ठीक है ना। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ICIMOD ने डिक्लेयर किया कि हिंदू कुश हिमालय रीजन एक जो बायोस्फीयर है, ठीक है ना, ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स है, ठीक है ना। और इसके लिए मतलब उन्होंने जोर दिया कि इस चीज़ को क्या किया जाए, जो नेचुरल लॉ है उसको क्या किया जाए, उसमें मतलब उन्होंने चीज़ पर जोर दिया कि नेचुरल लॉ जो है उसको उसमें उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है ना। और लगभग 70% जो रीजन ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है पिछली सेंचुरी में, ठीक है ना, ऐसा कहना ICIMOD के ऑफिशियल का, ठीक है ना। और आगे बात करें यहाँ पर, और रीजन स्पेंस 8 कंट्रीज इन, जिसमें इंडिया, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान क्या होंगे, इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना, इन सारी कंट्रीज में, मतलब जो जिस रीजन की बात कर रहे हैं उसमें 8 कंट्रीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। हाँ चलिए अब तक तो हमारे पास ये तीन स्लाइड्स थी, ठीक है ना। आपको ये तीन स्लाइड्स मतलब आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना अपने भूलने, क्योंकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तो सबसे पहले पहुँच दिया। तो चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।